ये सब जो अल्पसंख्यक रोजगार योजना था उसको फायदा बहुत दिया जा रहा था पहले 5 लाख रुपए तक का, लेकिन अब कर दिया गया कि भाई अब तो जो नियम बना दिए सबके लिए, तो यही चीज अब इतना ही ज्यादा लाभ यानी 10 लाख तक का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय में भी होगा, ये भी अब उसके लिए कहा गया है। उसका भी उसके लिए जो भी जो एक समझिए कि सब कुछ कार्रवाई करना है, वो कार्रवाई की शुरुआत हो रही है, वो भी काम बहुत तेजी से पूरा हो जाए। तो हर प्रकार से लोगों को मदद करने के लिए, और आप सब लोगों को मालूम ही है और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने जो शुरू में किया, अब जो प्रारंभ में जब हम लोगों की सरकार बनी और उस समय आपको क्या बताएं, हम तो बराबर कहते रहते हैं, वो एथेनॉल के उत्पादन के लिए और उस समय लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का लोगों का आया था। तो अभी तो बाद में अभी जो पिछली बार सुनने का मौका मिला हमको, तब इस सब चीज के लिए भी कल भी हम पूरी बात कह रहे थे और हम तो गृह मंत्री जी को भी कहे हैं, तो सबको कह रहे हैं कि भाई अब जब एथेनॉल का उत्पादन होने लगा है की बात आ गई, अब समझिए यहाँ तो पहला शुरू हो गया जाकर के, हम लोग तो उद्घाटन कर दिए और अभी कितने जगहों पर है, और यहाँ पर तो जो कुछ भी लोग करना चाहेंगे सब तरह का एथेनॉल का उत्पादन बहुत तेजी से आगे जारी रहेगा। तो हम लोगों ने जो सबसे पहले शुरू कराया था वो तो गन्ना की बात थी, तो उस समय की केंद्र सरकार उसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया, तो उस समय केंद्र सरकार नहीं मानी हम लोगों की बात, तो रह गया। लेकिन अब जो सरकार ने तय कर दिया, अब उसके बाद तो हम लोगों ने भी 21 में नियम बना दिया, अब उसके बाद कितनी बड़ी संख्या में एथेनॉल के लिए लोग दे रहे हैं, तो हर तरह से अब लोग मदद करने के लिए हर प्रकार से सब कोई आ रहे हैं। तो अब तो यही हम लोगों का आग्रह है सब लोगों से कि भाई अब एथेनॉल के लिए तो जितना लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, तो अभी मंजूरी 17 की हुई, लेकिन उसके बाद हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा कहीं भी प्रतिबंध मत लगाइए, काहे कि जितना भी यहाँ पर उत्पादन होता है तो बहुत लाभ होगा। तो इन सब चीजों के लिए भी आप समझ लीजिए कि शुरू हुआ और कितना बढ़िया लग रहा है, और चारों तरफ उद्योग में जो लोग लग रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि बिहार में अब बहुत अच्छा उद्योग होगा। और जब हम एथेनॉल वाली बात सुने उसी दिन मुझको इतनी खुशी हुई कि अब केंद्र सरकार ने एथेनॉल की बात की, इसलिए हमने तो तुरंत उस समय जो पहले हम लोगों ने किया था उसमें हम चिट्ठी भेज दिए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेज दिए थे, मंत्री जी को भी चिट्ठी भेज दिए थे, और सब समय हम लोग बात करते रहते हैं। और उसके बाद अब जो शुरुआत हो गया है तो हमको तो भाई लग रहा है कि अब काफी अच्छा उद्योग होगा, और हमारे जो साथी हैं और ये जिस तरह से शाहनवाज जी पूरा का पूरा मेहनत करते हैं और जो इनकी बात बोलते हैं और जिस तरह से हर जगह जा जा करके लोगों को और लोगों के बीच में, अब तो फिर बंबई के बारे में भी प्रोग्राम बना रहे हैं, अरे पहले तो हम लोग जाते थे सब जगह, कितना लोगों से अनुरोध करते थे, लेकिन थोड़े ही कोई आ पाते थे, बहुत कम। लेकिन अब देख रहे हैं कि अब सही मायने में लोग आने लगे हैं, तो अब इसके लिए हम लोगों से तो जितना मदद होगा, अब आज ही आपको बता दिया, अभी हमारे मंत्री जी कह दिए, इतना ज्यादा कहीं मदद नहीं मिलता है हम लोग जितना मदद, हमारे जो बाहर से आए हुए तीनों नेता हैं, तीनों बोल दिए सब के सब इंडस्ट्री से संबंधित, तो हम उन लोगों को अश्योर करते हैं कि भाई आप लोग आए हैं, आप लोग और सुझाव दीजिए, और आप जो भी सुझाव दीजिएगा हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जमीन तक को मदद करने में, और दूसरी तरफ उनको जो काम शुरू करेंगे तो उस काम शुरू करने में अगर उनको जो भी धन की जरूरत होगी उसमें भी मदद करने में हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि पूरा का पूरा उद्योग भी यहाँ पर लग जाए और सब लोग जो यहाँ के बाहर जाते हैं, बाहर जाने की उनको जरूरत न रहे, यहीं पर काम करें और खूब अच्छे ढंग से सब कुछ काम होगा।